टेक्नो साइन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि एक पेड सॉफ्टवेयर और एक पायरेटेड और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच आखिर क्या अंतर है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों से इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो प्लीज कीप इट वॉचिंग। टेक्नो साइन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए टेक सरप्राइजेस रोजाना पाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं अगर विजुअल ओवरव्यू की बात करूं पेड और पायरेटेड दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर, तो फिर आप उन दोनों में से कुछ भी अलग नहीं पाओगे, बिल्कुल सेम आप बाहर से दिखने में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एडोब फोटोशॉप की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक एडोब फोटोशॉप पेड वर्जन हो पेड वर्जन को यूज कर रहे हो और एक पायरेटेड वर्जन, दोनों ही आप दोनों कंप्यूटर में इंस्टॉल करके देखिए, दोनों में बिल्कुल सेम है बाहर से दिखने में। और उसका जो ऑप्शन मिलेगा आपको, जो 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 टूल्स आपको पेड सॉफ्टवेयर में मिलेगा, वो बिल्कुल सेम ऑप्शन आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर उसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो आप बाहर से मतलब बस देखकर, पहले फेज देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि दोनों में क्या अंतर है। अगर आपको दोनों में जो अंतर दिखना है, तो फिर आपको उसे खुद ब खुद यूज करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक पेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो फिर आप उसे बेझिझक बिल्कुल स्मूथली एक नया कार की तरह आप यूज कर सकते हो। जो नया कार बिल्कुल स्मूथ रोड पे चलती है, ऐसे ही वो सॉफ्टवेयर आपके पीसी में बिल्कुल स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर आप एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो पहले पहले तो आपको बहुत बहुत स्मूथली वो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में चलेगा, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारा इश्यू आ जाएगा, जैसे कि अचानक से बंद हो जाना, अचानक से आपकी जो वर्क है वो अचानक से गायब हो जाना, ऐसे ही कुछ इश्यू दिखाई देता है बाद में पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो मेनली अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो पेड और पायरेटेड, तो आपको दोनों में जो अलग बात वो आपको दिखाई देगा, नहीं तो आप बाहर से उसमें कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि उस दोनों में आखिर क्या अंतर है। बेसिकली पेड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप पैसे देकर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीदते हो और वो आपको एक सॉफ्टवेयर देता है, उसके साथ एक लाइसेंस की देता है, जो कि आपकी नंबर आपकी नाम और आपके एड्रेस पर रजिस्टर होती है। और दोस्तों, पायरेटेड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो आप कोई भी पायरेट वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करते हो और उसे आप एक क्रैक्ड और पैच सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने कंप्यूटर में फुल्ली यूज करते हो। तो ये क्रैक और पैच सॉफ्टवेयर आखिर क्या काम करता है, ये मान लीजिए आप किसी दूसरे के लाइसेंस, जो कि पेड वर्जन में आप खुद की लाइसेंस पे यूज कर रहे हो, तो क्रैक कर किसी दूसरे की लाइसेंस पे वो आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ही सॉफ्टवेयर एक ही लाइसेंस पे अगर दोनों जगह यूज कर रहे हो, मतलब एक कार अगर आप खुद भी चला रहे हो और आपके दोस्त को भी चलाने के लिए दे रहे हो, तो फिर उस कार में तो ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम तो होगा ही ना। तो ऐसे ही कुछ बात है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर आप दोनों लाइसेंस पे यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्रैक कैसे काम करते हैं, क्रैक एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, जो कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है, जो कि मान लीजिए फोटोशॉप या फिर वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर जो सिक्योर एनक्रिप्टेड होस्ट फाइल होती है, जिसमें यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट ये सब फुल्ली हाईली सिक्योरली एनक्रिप्टेड होती है, तो उन सब के अंदर जाकर उनसे छेड़छाड़ करता है और वो किसी दूसरे फेक आईडी से रजिस्टर कर देते हैं, तो फिर आप आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन इसका जो गलत फायदा है, आपकी जो सिक्योर फाइल उसका जो सिक्योरिटी वो ब्रेक डाउन हो जाता है, सिक्योरिटी ब्रेक डाउन होने की वजह से आसानी से आपकी कंप्यूटर हैक हो सकता है, या फिर आपका जो पर्सनल फाइल वो भी डिलीट हो सकता है, या फिर वो चोरी भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए वो क्रैक वर्जन अगर कोई भी वायरस हो, ट्रोजन या फिर कुछ भी वायरस हो, तो फिर वो आपकी जो पर्सनल फाइल सब कुछ वो एक गेटवे ओपन कर देता है किसी और को यूज करने के लिए। तो फिर जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली में यूज करना बहुत ही खतरनाक है। आप अगर अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हो, लाइक बैंकिंग और प्रोफेशनल वगैरह, तो फिर आपके लिए वो बहुत ही रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वो सब फाइल आसानी से हैकर सबकी कंप्यूटर में जाकर उसे हैक कर सकते हैं। क्रैक सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर की जो सिक्योर गेट है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो इसकी वजह से आसानी से कोई भी वायरस उसमें इफेक्ट कर सकता है। तो मेरी सजेशन यही होगा कि आप इन सब पायरेसी से दूर ही रहे और ज्यादातर पेड सॉफ्टवेयर यूज कीजिए।
आप अगर अपनी जो लैपटॉप और डेस्कटॉप और अपनी खुद की जो सुरक्षा अगर आप करना चाहते हो तो फिर, और मुझे मालूम है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, तो फिर मेरा सजेस्ट यही होगा कि कम से कम अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 10 हो या फिर Windows जो भी वगैरह हो, तो आप वो एक जेन्युइनली खरीद लो और एंटीवायरस एक अच्छा सा ले लीजिए, तो फिर शायद आपकी कंप्यूटर वायरस से और हैकर से बच सकते हैं। नहीं तो आपकी कंप्यूटर में धीरे धीरे जो प्रॉब्लम इश्यू, अचानक से शटडाउन हो जाना, रैम का प्रॉब्लम और बहुत सारा जो स्लो हो जाना, ये सब धीरे धीरे दिखाई देगा पायरेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, और इस तरह की वीडियो और भी पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे जरूरी बात अपने आसपास साफ सफाई रखिए, क्योंकि एक कदम स्वच्छता की ओर।